सो वेल गाइस, जब भी हम बात करते हैं अपने होम स्टूडियो रिकॉर्डिंग सेटअप की, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम आर्टिस्ट लोग फेस करते हैं वो आती है विद द अकुस्टिक ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से हमारी जो डबिंग्स होती हैं उसमें एम्बियंस नॉइज, इकोज और काफ़ी सारा शोर शराबा साथ में रिकॉर्ड हो जाता है, जो कि हमारी ऑडियो क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करता है। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस वन? सो टुडे आई हैव गॉट दिस प्रोडक्ट कॉमेट फ्रॉम आइकॉनिक मास, जो कि है एक पोर्टेबल साउंड आइसोलेशन बूथ, जो कि हेल्प करता है आपके रिकॉर्डिंग को इम्प्रूव करने में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग की, हम साथ में करेंगे रिव्यू एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम करेंगे एज यूजुअल एक ऑडियो टेस्ट, सो दैट आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो सके कि ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना यूजफुल होने वाला है। इट्स अबाउट सुल्तान, यू वॉचिंग नो हिप हॉप, सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग विद दिस वन। सो वेल गाइस, जैसे ही हम प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले देखने को मिलता है एक और बॉक्स, जो कि इसका बेसिक बॉक्स है और बहुत ही स्लिक, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन में आपको इसका बॉक्स देखने को मिलता है। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक पोर्टेबल फोम बूथ और साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं दो पॉप फिल्टर्स। अगर आप इसके पॉप फिल्टर्स को भी ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि इसमें ड्यूअल लेयर ऑफ पॉप फिल्टर्स है, एक सामने की तरफ से है और एक पीछे की तरफ से है। अगेन यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है चार पांच डिफरेंट कलर में, जिसमें कि रेट्रो रेड, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, एक्वा ब्लू, गैलेक्सी ब्लैक और मिडनाइट पर्पल भी है। और हर एक कॉमेट के साथ आपको दो पॉप फिल्टर्स मिलते हैं। यहाँ पर मुझे रेड वाला ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसलिए मैंने रेड वाला यूज़ किया है। सो दैट वॉज अबाउट पॉप फिल्टर्स, जो कि दो मिलते हैं मुझे साथ में। अब बात करते हैं अबाउट द कॉमेट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ कॉमेट फॉर यू, जो इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, बेसिकली जो थिकनेस है फॉर्म की वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डेंसिटी जो है इस प्रोडक्ट की वो काफ़ी अच्छी है फॉर्म की, जिससे कि ये ज़्यादा अच्छी तरह से आपकी जो डबिंग्स है उसमें आपको हेल्प करता है। एम्बियंस नॉइज़, बैकग्राउंड नॉइज़ को कम्प्लीटली कैंसल आउट कर लेता है और कहीं ना कहीं आपको जो इको की प्रॉब्लम आती है अपनी डबिंग में, बिकॉज आपके पास अकोस्टिकली ट्रीटेड रूम नहीं है, उस प्रॉब्लम को भी काफ़ी हद तक सॉल्व कर लेता है। सो गाइज, यहाँ पर जो नीचे वाला होल है, यहाँ से आपको अपना माइक्रोफोन इंसर्ट करना है, जो कि एक टिपिकल स्टैंडर्ड माइक्रोफोन यहाँ पे इजीली इंसर्ट हो जाता है। और सामने वाले होल पे आपको लगाना है अपना पॉप फिल्टर, और जिसके बाद यू आर गुड टू गो विथ योर रिकॉर्डिंग्स। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है गाइज कि ये जो प्रोडक्ट है ये USA कैलिफोर्निया में डिज़ाइन हुआ है, वहीं पर ही मैन्युफैक्चर होता है। चैन के की जो कंट्री है चाइना, वहाँ पे ये नहीं बनता है, तो चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट ये बिल्कुल भी नहीं है, तो वो आप यहाँ पर अश्योर हो सकते हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एक सिंपल वोकल टेस्ट की। सो वेल गाइस, प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस को टेस्ट करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमें उसका ऑडियो टेस्ट करें, तो इसलिए मैंने स्विच किया है अपने फिफिन के माइक्रोफोन पे, और अब मैं यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड करने वाला हूँ विदाउट कॉमेट और किसी भी अलग तरह के पॉप फिल्टर के साथ, और उसके बाद हम स्विच करेंगे इसी माइक्रोफोन को विद कॉमेट। और गाइस, साथ ही साथ हम ये भी देख लेंगे कि हमारी डबिंग क्वालिटी कितनी इम्प्रूव हो जाती है विद द हेल्प ऑफ कॉमेट। तो स्टार्ट करते हैं विद द डबिंग। ये सुबह के 3 बजे, देखो रोज ड्रीम में, कहाँ से आया आज, किधर हुसैन में, किताबें बस्ते में, ज़्यादा रोटी कम टिफिन में, काटे कई साल, फटे जूते और एक जीन में। सुबह के 3 बजे, देखो रोज ड्रीम में, कहाँ से आया आज, किधर हुसैन में, किताबें बस्ते में, ज़्यादा रोटी कम टिफिन में, काटे कई साल, फटे जूते और एक जीन में। सो गाइस, ये था हमारा ऑडियो टेस्ट, और तकरीबन मुझे 10 से 15 सेकेंड लगे हैं सिर्फ इस आइकॉनिक मार्स कॉमेट को सेटअप करने में विद अवर माइक्रोफोन। और पर्सनली मुझे लगता है जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो बैकग्राउंड नॉइज़ होती है उसको तो काफ़ी हद तक कम करता ही है, साथ ही साथ ही आपकी जो वोकल्स है उसमें एक वार्म्थ, एक टेक्सचर और ऐड करता है, जिसकी वजह से आपकी वोकल काफ़ी ज़्यादा बेटर सुनाई देती है। सो वेल गाइस, अब आपको मुझे बताना है कि आपको दोनों ही वोकल्स में क्या डिफरेंस नज़र आया और ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आइकॉनिक मार्स की वेबसाइट, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप इस प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं और इजिली बाय आउट कर सकते हैं। तकरीबन $100 के आसपास का ये प्रोडक्ट है, बट ट्रस्ट मी गाइस, इस प्रोडक्ट की वर्थ कंप्लीटली आपको नजर आएगी जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करेंगे। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, प्लीज डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने किसी आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसको हेल्प हो सके अपने प्रोडक्ट क्वालिटीज को, अपनी ऑडियो डबिंग क्वालिटीज को इंप्रूव करने में। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। इट्स योर बॉय सुल्तान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल सी यू द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नो हिप हॉप। लॉट्स ऑफ लव एंड पीस।